हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएस राठौर। मैं आप लोगों के लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा है क्या? जैसे कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू साइन एक्स है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स। वाई इक्वल टू साइन एक्स है, इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या मिलता है? कॉस एक्स। फिर से इसको डिफरेंशिएट करें सेकेंड टाइम तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फिर से इसको डिफरेंशिएट करें डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो इस प्रकार जब हम किसी फंक्शन को एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यू हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं तो ये कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में कुछ क्वेश्चन, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन y इक्वल टू ए टू द पावर ए साइन इनवर्स x है, तो कुछ प्रूफ करने वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में कर लिया है। फिर भी मैं इसमें एक क्वेश्चन उस पैटर्न का बताने वाला हूं जो ट्वेल्थ क्लास में आप लोगों ने स्टडी कर चुका है। उसके आगे आप लोगों ने फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना भी ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है। nth डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? जैसे y इक्वल टू e टू द पावर ax है, इसका nth डेरिवेटिव मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a e टू द पावर ax आ जाएगा। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर ए टू द पावर एक्स। थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ई ए क्यूब ए टू द पावर एक्स। तो हम इससे एक जनरल रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसको अगर एन टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा? ए टू द पावर एन ए टू द पावर एक्स। तो ये है nth डेरिवेटिव। तो ऐसा प्रॉब्लम भी आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को फिर से मैं यहां पर लेके आया हूं इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि इन प्रॉब्लम पे बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे इस बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। और इसके आगे हम लेबनीज थ्योरम भी आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो चलिए पहले हम इस वीडियो लेक्चर में क्या है उसका स्टडी करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ वाई इक्वल टू ए टू द पावर माइनस के टी इंटू कॉस ऑफ पी टी प्लस सी देन सो डैट डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी वाई बाई डी टी प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो वेयर एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हमको ये प्रूफ करना है, ये गिवन है। तो कैसे करेंगे? इसका मतलब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। जो प्रूफ करना है उसको देखने से ही आइडिया मिल रहा है कि जो y गिवन है उसको दो बार डिफरेंशिएट करना है और ये इक्वेशन प्राप्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y गिवन है, इक्वेशन वन दे देते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये जो a है कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dy dt डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस के टी इंटू कॉस पी टी प्लस सी। ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिए डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कॉस पी टी प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पी टी प्लस सी। फिर से पी टी प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो पी चैन रूल अप्लाई करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर पी टी प्लस सी का पी। ये हो गया। यहाँ पर ई टू द पावर माइनस के टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस के टी, और फिर माइनस के टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के आएगा। तो ये चैन रूल लगा दिए इन दोनों टर्म में। उसके बाद ये जो अंडरलाइन किया हुआ टर्म है ये इक्वेशन वन से किसके इक्वल है? वाई। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं? वाई। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर टू। अब हमको तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, जो प्रूफ करना है उसमें दिखाई दे रहा है। तो इस इक्वेशन नंबर टू को हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट साइड आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और ये जो फर्स्ट टर्म है माइनस ए पी कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। और ये जो है
माइनस के और वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी टी। अब ये प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ई टू द पावर माइनस के टी डी बाई डी टी ऑफ साइन पी टी प्लस सी प्लस साइन पी टी प्लस सी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस के टी और माइनस के डी वाई बाई डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन पी टी प्लस सी का, तो क्या होगा चैन रूल से कॉस पी टी प्लस सी फिर पी टी प्लस सी का पी, तो एक पी पहले से था, एक पी इसको डिफ्रेंशिएट करने से आया तो पी स्क्वेयर हो गया। यहाँ ई टू द पावर माइनस के टी का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस के टी फिर माइनस के टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस के, तो यहाँ पर माइनस के आएगा और साथ ही साथ इस माइनस ए पी का मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस के, ओके यहाँ पे हो गया प्लस ए के और ये पी, तो ये मिल जाएगा। इसके बाद हम फिर से इसकी वैल्यू ए ई टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, इसकी वैल्यू फिर हम यहाँ से क्या रख देंगे वाई, तो यहाँ पे वाई रख देंगे, तो वाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर वाई। और ये जो है ई टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, ये इक्वेशन टू से देखें ए पी ई टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, इस माइनस के वाई को लेफ्ट साइड ले आए तो डी वाई बाई डी टी प्लस के वाई, तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या रखेंगे माइनस के वाई माइनस डी वाई बाई डी टी, ये इक्वेशन नंबर टू से आ गया और ये माइनस के डी वाई बाई डी टी है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट ओपन कर लें, के अंदर मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम टर्म है, माइनस टू के डी वाई बाई डी टी आ जाएगा और इस माइनस टू के डी वाई बाई डी टी को हम यहाँ पे एक मिनट ए पी, हाँ ठीक, तो जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये जो है माइनस टू के डी वाई बाई डी टी है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये माइनस पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस, तो ये बाय मिस्टेक माइनस लिखा गया है, ये प्लस होगा क्योंकि ये माइनस है राइट साइड में, लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। और पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है एन स्क्वायर, तो हम उसकी जगह क्या रख देंगे यहाँ पर एन स्क्वायर, इसकी जगह एन स्क्वायर, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो अब हम आते हैं nth डेरिवेटिव पे, nth डेरिवेटिव e टू द पावर ax का, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन उसका मतलब, तो यहाँ पर हम देखते हैं nth डेरिवेटिव e टू द पावर ax का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, जैसे y ले लिए इसको, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा a e टू द पावर ax, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, और एक बार करेंगे तो ए क्यूब ई टू द पावर एक्स। इससे क्या आइडिया मिलता है कि जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए की पावर वन आ रहा है, दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए की पावर टू और तीसरे बार में थ्री, तो एन एच टाइम में ए टू द पावर एन, और ई टू द पावर एक्स तो सब में आ रहा है तो एन एच डेरिवेटिव में भी ई टू द पावर एक्स आएगा। तो इस प्रकार ई टू द पावर एक्स का एन एच डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन e टू द पावर x, ये हो गया e टू द पावर ax का nth डेरिवेटिव। अब देखते हैं हम सेकेंड ax प्लस बी होल पावर माइनस वन, इसका nth डेरिवेटिव ax प्लस बी होल पावर माइनस वन का nth डेरिवेटिव, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन ax प्लस बी की पावर माइनस टू, फिर ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे चैन रूल से तो a आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ, पहले हम ax प्लस बी की पावर माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वन ax प्लस बी की होल पावर माइनस टू, फिर हम ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a, चैन रूल से फंक्शन ऑफ फंक्शन का। अब दूसरे बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस टू x प्लस बी टू द पावर माइनस थ्री और x प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन a, तो a के पहले से था एक a और आ गया तो a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस और माइनस दो बार आया तो माइनस वन की पावर टू और फिर बचेगा क्या यहाँ टू इंटू वन, टू इंटू वन मतलब फैक्टोरियल टू,
अगर हम इसी को तीसरे बार डिफ्रेंशिएट करें तो y3 माइनस वन की पावर 2 फैक्टोरियल 2 ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस थ्री एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 4 और एक्स प्लस बी का a, तो ए स्क्वायर के साथ a का मल्टीप्लाई होकर a क्यूब आ गया, और इस माइनस थ्री का माइनस वन इसके साथ हो जाएगा तो माइनस वन टू द पावर 3 और ये 3 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी फैक्टोरियल 3 और a क्यूब एक्स प्लस बी टू द एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 4 ये b है सॉरी प्लस 4 लिखा गया है, ये एक्स प्लस बी है। तो ये हो गया थर्ड डेरिवेटिव। तो ऐसी हम सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव को देखें, जैसे सेकेंड डेरिवेटिव में माइनस वन की पावर 2 आया, थर्ड डेरिवेटिव में माइनस वन टू द पावर 3, तो nth डेरिवेटिव में माइनस वन टू द पावर n, सेकेंड डेरिवेटिव में 2 का फैक्टोरियल, थर्ड में 3 का फैक्टोरियल, तो n में फैक्टोरियल n, सेकेंड डेरिवेटिव में a स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव में a क्यूब, तो nth डेरिवेटिव में a टू द पावर n, और x प्लस बी की पावर माइनस 3, 2 में माइनस 3, 3 में माइनस 4, तो n में माइनस n प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो दो या तीन डेरिवेटिव निकालने के बाद हमको एक आइडिया मिल जाता है कि nth डेरिवेटिव यानी जनरल जो है nth डेरिवेटिव क्या हो सकता है, तो हम इसी आधार पे हम nth डेरिवेटिव को लिखते हैं। अब log ऑफ x प्लस बी का nth डेरिवेटिव निकालना है, तो log ऑफ x प्लस बी का nth डेरिवेटिव निकालना है तो इसको भी तीन बार, चार बार, दो बार, जितने में आइडिया मिल जाए कि nth डेरिवेटिव क्या हो सकता है, उसके बाद हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं nth डेरिवेटिव को। तो जैसे यहाँ पर देखें y, y को डिफ्रेंशिएट करें एक बार तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन log को करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस बी और फिर ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन a, तो क्या आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी होल पावर माइनस 1। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ए तो है ही, इस एक्स प्लस बी की होल पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 एक्स प्लस बी होल पावर माइनस 2 और फिर से ax प्लस बी का करेंगे तो एक a आ जाएगा, तो a और a ए स्क्वायर और यहाँ ax प्लस बी टू द पावर माइनस 2। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 तो पहले से है, a स्क्वायर पहले से, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 ax प्लस बी होल पावर माइनस 3 और फिर एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए, तो अब एक क्यूब हो जाएगा और माइनस दो बार, तो माइनस वन की पावर 2 और 2 को हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें चौथी बार तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 3 एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 4 और ए, तो ये माइनस फिर एक बार पावर बढ़ जाएगा, माइनस वन की पावर 3 हो जाएगा और बचेगा यहाँ 3 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ए क्यूब और ए का मल्टीप्लाई ए टू द पावर 4 एक्स प्लस बी होल पावर माइनस 4। ये हो गया फोर्थ डेरिवेटिव। अब हमको आइडिया मिल गया कि इसका nth डेरिवेटिव क्या लिखा जा सकता है, कैसे, हम यहाँ से देखते हैं। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में ए की पावर 1 है, सेकेंड डेरिवेटिव में ए की पावर 2 है, थर्ड डेरिवेटिव में ए की पावर 3 है, फोर्थ में ए की पावर 4, तो nth में ए की पावर n हो जाएगा। फिर दूसरे डेरिवेटिव में फैक्टोरियल 1 है, तीसरे में फैक्टोरियल 2 है, चौथे में मतलब जो डेरिवेटिव ले रहे हैं उससे एक कम फैक्टोरियल आ रहा है, तो n में क्या होगा, फैक्टोरियल n माइनस 1। दूसरे डेरिवेटिव में माइनस 1 की पावर 1, तीसरे में माइनस 1 की पावर 2, यानी यहाँ भी पावर एक कम हो रहा है, तीसरे में 2 पावर हो रहा है, चौथे में 3 पावर हो रहा है, तो nth में n माइनस 1, तो माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 ए टू द पावर n, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पहले डेरिवेटिव में ax प्लस बी की पावर 1 का माइनस, दूसरे में 2 का माइनस, तीसरे में 3 का माइनस, चौथे में 4 का, तो nth में n का माइनस, तो इस प्रकार इसका ये nth डेरिवेटिव हो गया। अब हम देखते हैं साइन ऑफ ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव, तो अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया, फिर ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा,
अब हम क्या करते हैं, इस कॉस को फिर से ओरिजिनल फंक्शन, यानी साइन है ओरिजिनल फंक्शन, तो साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कॉस को साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको हम साइन 90 प्लस थीटा की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी। फिर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें वाई टू, तो साइन का कॉस हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे तो एक ए, तो ए स्क्वायर हो गया। फिर से हम इस कॉस को ओरिजिनल फंक्शन साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। अब थीटा ये पूरी वैल्यू है, 90 प्लस ये पूरी वैल्यू थीटा, तो पाई बाई टू और पाई बाई टू, टू पाई बाई टू हो गया। तो हमको दो बार से ही पता चल गया कि एनेथ क्या हो सकता है, एक पैटर्न पता चल गया कैसा हो रहा है। तो एनेथ डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में ए की पावर वन, दूसरे में ए की पावर टू, एनेथ में ए की पावर एन। फर्स्ट डेरिवेटिव में पाई बाई टू का मल्टीपल वन और दूसरे डेरिवेटिव में पाई बाई टू का मल्टीपल टू है, तो एनेथ डेरिवेटिव में एन हो जाएगा, बाकी ये तो पूरा ए एक्स प्लस बी रह गए। तो ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी का एनेथ डेरिवेटिव। सेम ऐसी कॉस का भी एनेथ डेरिवेटिव आप लोग निकाल सकते हैं, इसको आप लोग खुद से बना के देखिए, ए टू द पावर एन कॉस एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया कॉस का एनेथ डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं, अभी तक जितने भी फंक्शन देखे जिसका एनेथ डेरिवेटिव वो सिंगल फंक्शन था, अब हम देख रहे हैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट का एनेथ डेरिवेटिव, मतलब ई और साइन, ई और कॉस के प्रोडक्ट का एनेथ डेरिवेटिव हम देखेंगे यहाँ पर। तो मैं अभी ई टू द पावर एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी के प्रोडक्ट का बता रहा हूँ, आप लोग ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी का एनेथ डेरिवेटिव खुद से बनाएंगे। तो देखिए y इक्वल टू ये है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन a e टू द पावर x, प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। e टू द पावर x ऐसी रहेगा, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन b cos bx एक्स प्लस सी, दोनों से e टू द पावर x कॉमन निकल गया। तो अभी हम जब साइन का एनेट डेरिवेटिव निकाले थे तो ये ध्यान दिए थे कि जब भी एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके बाद हम फंक्शन को ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक बार डिफ्रेंशिएट किए कॉस आया तो कॉस को फिर साइन लिख दिए, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। ई तो आ गया लेकिन ये क्वेश्चन जो है साइन के फॉर्म में, तो हर स्टेप में डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको साइन में बदलेंगे। तो इसको साइन फंक्शन में बदलने के लिए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक। ये ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा आप लोगों ने 11th क्लास में किया होगा कि जब भी ए साइन प्लस बी कॉस को सिंगल साइन या सिंगल कॉस में बदलना है तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको कॉस अल्फा ले लें तो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा बन जाएगा, देख सकते हैं। अगर हम इसको साइन अल्फा ले लें, इसको साइन अल्फा ले लें तो इसको फिर कॉस अल्फा हम बदलेंगे तो इस फार्मूले से बदल देंगे, रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉस अल्फा बन जाएगा, मतलब ये साइन अल्फा लेंगे तो ये कॉस अल्फा बन जाएगा। तो अब ये साइन ए प्लस बी के फार्मूले में आ गया, तो वाई वन की वैल्यू क्या हो गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, ठीक। तो अब ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर ई टू द पावर एक्स का ए ई टू द पावर एक्स। अब साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस होता है, फिर बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी होता है। अब फिर ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं और ये जो आया इसको फिर साइन में बदलना पड़ेगा, हर बार डिफ्रेंशिएट करके इसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना है। तो फिर यहाँ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ बाहर, और ये हम देख चुके हैं अभी, इसको हम साइन अल्फा लिखते हैं और इसको कॉस अल्फा, तो फिर साइन ए प्लस बी का फार्मूला आ गया है।
ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे तो साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस टू अल्फा हो गया, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव। तो अब हमको आइडिया मिल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1 था, सेकेंड डेरिवेटिव में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2, तो nth डेरिवेटिव में क्या रहेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n। फर्स्ट डेरिवेटिव में e की पावर x, सेकेंड डेरिवेटिव में e की पावर x, तो nth में b टू द पावर x। फर्स्ट डेरिवेटिव में साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, सेकेंड में 2 अल्फा, थर्ड में 3 अल्फा, तो nth में n अल्फा। और अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो साइन अल्फा है और कॉस अल्फा दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, b बाई ए। तो टेन अल्फा b बाई ए मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स b बाई ए। तो ये देख सकते हैं अल्फा क्या है, टेन इनवर्स b बाई ए। तो हम इस अल्फा की जगह इस टेन इनवर्स b बाई ए को रख देंगे यहाँ पर, तो इसका nth डेरिवेटिव आ जाता है। तो क्लियर हो गया कि e टू द पावर ax साइन बी एक्स प्लस सी का nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। अब हम देखते हैं, हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें cos वाला मतलब e टू द पावर ax cos bx प्लस सी का nth डेरिवेटिव, ये आप लोग जरूर निकाल के देखिए। अब हम देखते हैं ax प्लस बी की पावर m का nth डेरिवेटिव निकालेंगे। ध्यान रखिए कि ये जो पावर है ax प्लस बी की, जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y अगर हम ले लें ax प्लस बी की पावर 2, इसकी पावर 2 है तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा और तीसरी बार में 0। यानी इस पैटर्न का जो फंक्शन होता है उसकी जितनी पावर है पॉजिटिव पावर, उससे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट करें एक बार तो 0 आ जाता है। 2 पावर है तो 3 टाइम्स में 0 आ जाएगा। अगर ये पावर 6 होता तो 7th डेरिवेटिव 0 आ जाता। तो जितना पावर है उतने बार डिफ्रेंशिएट होता है तो कांस्टेंट आता, उससे एक ज़्यादा बार करने से 0 आ जाता। तो यहाँ पर भी जो पावर है उससे कम बार डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, पावर m है लेकिन उसको n टाइम्स कम टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर पावर मान लीजिए 5 है और 3 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस टाइप से। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, ax प्लस बी की पावर m, इसको जितनी पावर है उससे एक कम बार, सॉरी उससे कम बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा इसका डिफ्रेंशिएशन, m ax प्लस बी की पावर m माइनस 1। फिर ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, a। अब इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करें तो y1 का y2 हो गया। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, m माइनस 1 ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 2, और ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन a, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो y3, यहाँ पर क्या आएगा, m माइनस 2 ax प्लस बी टू द पावर m माइनस 3, फिर ax प्लस बी का a, तो a क्यूब हो गया। तो इससे अब हमको आइडिया मिल गया कि nth डेरिवेटिव क्या होगा। दूसरे डेरिवेटिव में a की पावर 2, तीसरे में 3, तो nth में n हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव में 1 तक माइनस किए, थर्ड में 2 तक, तो n में कहाँ तक माइनस करेंगे, n माइनस 1 तक। सेकेंड में m माइनस 2 आया, थर्ड में m माइनस 3, तो nth में m माइनस n तक आएगा। तो इसका भी nth डेरिवेटिव हो गया। तो सारे जो फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अब उस पर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद और जो प्रॉब्लम्स हैं इस nth डेरिवेटिव पे बेस्ड वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जब न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से तो पहले डिवाइड करते हैं। तो इसको हम पहले डिवाइड करते हैं, x टाइम करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस करेंगे तो अब 3 टाइम्स जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, माइनस करेंगे तो 7x माइनस 6। अब इससे ज़्यादा और डिवाइड नहीं हो सकता, पावर कम हो गया रिमाइंडर का,
तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस थ्री प्लस 7x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या होता है कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्लियर हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना भी आप लोगों को आता है, तो 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो मिल जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। आंशिक भिन्न में तोड़ने का तरीका क्या है, दोनों लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर रैखिक गुणनखंड है, तो रैखिक गुणनखंड को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू अलग अलग कर लेते हैं। ये सब रूल आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा है। अब इसके बाद ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में जो रहता है उसका बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर 7x माइनस 6, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 कटेगा, x माइनस 1 बचेगा। अब x की वैल्यू एक बार 1 रख देते हैं, पूरे इक्वेशन एक बार 2, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगा और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो b की वैल्यू, तो a और b की वैल्यू को फिर फाइनली इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 में रखने से मिला और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो फाइनली जो क्वेश्चन दिया था उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख पाए। अब इसका एनेट डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका एनेट डेरिवेटिव प्लस इसका एनेट डेरिवेटिव, माइनस है तो माइनस इसका एनेट डेरिवेटिव, फिर प्लस है तो प्लस इसका एनेट डेरिवेटिव, सब में अलग अलग हो गया एनेट डेरिवेटिव। एक्स प्लस थ्री को तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, दूसरी बार में 0, तो दूसरी बार में 0 आ गया तो एनेट टाइम में तो 0 ही रहेगा। और एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 1 इसका एनेट डेरिवेटिव, और ये इसका एनेट डेरिवेटिव अभी हम लोग पढ़े हैं इसी वीडियो लेक्चर में, मैं बता दूं, ये एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1 का एनेट डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n। a क्या है, x का कोफिशेंट, ये तो हर में रहेगा, माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n रहेगा, लेकिन यहाँ जो x का कोफिशेंट रहेगा उसकी पावर n, और जो ये पूरा फंक्शन है उसकी पावर माइनस n प्लस 1। इसी फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए इसका तो 0 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n रहेगा ही, यहाँ x का कोफिशियंट क्या है 1, तो 1 की पावर n, जो फार्मूला देखे उसमें x का कोफिशियंट a था इसलिए 1 की पावर n लिखे थे, यहाँ पर x का कोफिशियंट 1 इसलिए 1 टू द पावर n, और जो ये है उसकी पावर माइनस n प्लस 1 लिखते हैं, यानी माइनस n माइनस 1। यहाँ पर भी वैसे माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n ये तो रहेगा ही, x का कोफिशियंट 1 है तो 1 की पावर n, और जो x माइनस 2 है उसकी पावर माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 या माइनस n माइनस 1 लिखे। अब इन दोनों टर्म में माइनस 1 टू द पावर n और फैक्टोरियल n कॉमन आ जाएगा, अब बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये माइनस में है इसलिए बाद में लिख दिए, ये प्लस में है इसलिए इसको पहले लिख दिए, तो ये आ गया नेट डेरिवेटिव। तो हमको इसी टाइप का और क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा और लेबनीज़ थ्योरम भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।